प्रधानमंत्री होके एगो छोकरा पर इतना लगे हुए कहला। अच्छा मोदी जी को आप लोग ने जिताया? जिताया तो इतना लगे हुए कहला मोदी जी। भैवानी की है अरपिन। 1400 कहाँ से आ गया? कहाँ पे वोट क्या हुआ? 1400 वोट है श्री गांव में। हाँ 800 वोट है। 1400 कहाँ से आ गया? हम जो लड़के में आओ सर कमल कहाँ से आ गया? मशीन में गड़बड़ था का? हाँ मशीन में गड़बड़ पूरा चोरी किया है बेमानी क्या हो। तो इस बार डर नहीं है कहीं और? इस बार तो अब 3 तारीख के ना वो पता चलेगा, छानबीन करेंगे हम लोग। हाँ बेमान सरकार है। शंका है? शंका है कि वोट कहीं और चला? शंका तो है, शंका है, शंका है। ईवीएम मशीन के बारे में जानते हैं? नहीं उसके बारे में नहीं जानते। कोई ईवीएम मशीन के बारे में जानता है? ईवीएम मशीन के बारे में? ईवीएम मशीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा यहाँ वोटिंग होता है। ईवीएम मशीन में जब हम बटन दबाएंगे बीप की आवाज आएगी तब हम जानेंगे कि संबंधित उम्मीदवार को वोट पड़ गया। आरोप लगाती हैं कि इसमें कुछ जुगाड़ करके वोट इधर से उधर कर दिए जाते हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत पहले से भी बोला गया है कि ईवीएम में खराबी है, बहुत एक्सपर्ट चेक भी हुआ लेकिन अभी तक फैक्ट तो सामने आया नहीं है कि वो खराब है। मतलब आपको कोई डाउट नहीं है? नहीं बिल्कुल डाउट नहीं है। राज्य स्तर पे राज्य स्तर के चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी के अलावा विपक्षी दल की भी जीत विजय हुई है। कोई भी बोलता हूँ कि ईवीएम में चोरी होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब अफवाह है। ठीक है दूसरी प्लस पॉइंट है कि ईवीएम मशीन एक सुरक्षा के साथ आता है, जब उसके अंदर एंट्री हो जाता है तो किसी का अलाउ नहीं होता है। केवल जो ईवीएम मशीन को लेके ही आता है वही लोग खोलते हैं, उसको सील करते हैं, पैक करते हैं और अच्छे से चेक किया जाता है। जब भी ईवीएम मशीन लगाया जाता है तो सबसे पहले वो जितने लोग उसमें जो बनाते हैं जो उसको चेक करते हैं तो सबसे पहले सब पूरा बोर्ड देख के देखा जाता है कि कागज कट कट के कितना गिर रहा है। एक बाबा कह रहे थे जी हमने लालटेन को डाला तीर पे चला गया, वो अफवाह है। किसी को जितने उतने आँख से कमजोर भी होते हैं ना बहुत से लोग, साफ सुथरी बात है। बाबा कमजोर थे जी, आँख से कमजोर होते हैं। कहे कि आपको भी देख लेना चाहिए, उसमें लाइट बढ़ते रहता है, कागज कट के भी गिरता है। अगर आप कमल को दे रहे हैं तो कमल कट के गिरेगा, अगर आप कांग्रेस को दे रहे हैं तो कांग्रेस कट के गिरेगा, अगर आप ललटेन को दे रहे हैं तो ललटेन कट के गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 नंबर टिपिए तो 2 नंबर का वोट गिर गया, वोट 2 नंबर टिपेंगे तो 1 नंबर का वोट गिर गया, ऐसा कुछ नहीं। तो फर्जी हवा बनाया जी, सब हवा है। तो क्या लाभ मिलता है इससे? मतलब फायदा क्या मिलता है ये सब झूठ बोलने वालों को? चमक गया जरा बाजार में, चमक गया बाजार में जी। हमको कहाँ डेवलप करने के लिए वोट वगैरह डालते हैं आप लोग? एकदम डालते हैं। वोट मतलब डालते हैं तो क्या होता है उससे, कुछ होता भी है क्या? परिवर्तन के लिए तो हमेशा वोट डालते हैं लेकिन बेईमान आदमी हमेशा जीत जाता है। ऐसा कैसे? अब मशीन में चेंजिंग है कि आदमी में चेंजिंग है? ईवीएम मशीन वाला हाँ, तो कुछ डाउट है क्या आपको उस पे? हमको तो डाउट लगता है भाई, हम जलाते हैं लटेन तो पता चलता है कि कमरे निकल गए। ऐसा होता है? एकदम होता है। हम लोग अब पिछला 5 साल से अरुण कुमार सिन्हा को देखना पसंद नहीं करते थे, आज भी अरुण कुमार सिन्हा निकल गए मेरे मोहल्ला से, क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है? साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम जय भारत।